और भी कुछ स्त्रियों का नाम आता है। ये सारी स्त्रियां कश्यप की थी, कश्यप ऋषि, और इनसे जो संतानें हुई तो भारत में कई प्रकार की संतानें हुई, देव जाति, असुर जाति, मानव जाति, नाग जाति और गरुण जाति। ये कितनी जातियां इनसे हुई, और आगे गरुण की संतान ही गृध जाति के रूप में पहुंची। तो अब उसमें कुछ में तो इनकी संतानों को पशु पक्षी रूप में स्वीकार किया, लेकिन प्राचीन इतिहास का जब अध्ययन हम करते हैं तो ये सारी मानव की जातियां नहीं थी, मनुष्य के ही ये जातियां उपजातियां थी। ये कोई अलग यानी मनुष्य इतर जाति नहीं, ये सब मनुष्य जाति, नाग जाति मनुष्य जाति। इसी रूप से गरुण जाति मनुष्य जाति, मनुष्य जाति का विधान था, नाग जाति गरुण जाति, इसी रूप से देव जाति दैत्य जाति, ये सब मनुष्यों की जातियां थी, मानव जाति। ये सब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ये जाति नहीं, ये वर्ग है, इनको कहते वर्ण, उनको तो वर्ण कहते हैं, वही तो वर्ण है, तो वो वर्ण है। नहीं, आपका कहना ठीक है, जब सप्त ऋषि हुए ना, मनु हुए, तो ये प्रजा में कारण है, प्रजा में कारण है, स्त्री प्रजा में कारण नहीं होती, वो माध्यम होती। इनकी उत्पत्ति साथ साथ ऋषि के साथ, ऋषिकाएं सारी उत्पत्ति साथ साथ है, मनुओं के साथ। जैसे मनुष्य स्मृति में इसका वर्णन है, मनु के साथ ही, मनु उत्पन्न हुए तो मनु के ही शरीर का दो भाग हुआ, वामांग स्त्री और दक्षिणांग पुरुष। यहाँ से तो राम भाग उसका स्त्री हुआ और दक्षिण भाग उसका पुरुष हुआ, अर्धनारीश्वर। पहले मूल में तो अर्धनारीश्वर मनु जो पैदा हुए, मनु के शरीर का दो भाग हो गया, बायां भाग शत्रुपा और दाहिना भाग मनु कहा जाता है। एक ऋषि की ये तो बात की, मैथुनी सृष्टि की पत्नी है तो इनकी जो सात पत्नियां हैं वो ओरिजिनल है। हाँ, एक एक के साथ बाद में जो हुए ऋषि, जहाँ पर बहुत ऋषि की पत्नियों की बात है, ये जो है ये पूर्व के नहीं, इसलिए यहाँ पूर्वे शब्द का प्रयोग हुआ प्रारंभ। बाद में तो मैथुनी सृष्टि हुई और मैथुनी सृष्टि के उत्पादन हुई, लड़कियां ज्यादा तो नहीं हुई, ऋषियों की जितनी थी एक किसी की लड़की हुई नहीं, किसी को बहुत थी। अब कर्दम ऋषि के 10 लड़कियां हो गई, तो उन्होंने 10 लड़कियों को 10 ऋषियों को दिया। आगे चल कर ये होती तो मनु की पुत्री थी, स्वयं मनु वो मैथुनी नहीं थी, वो तो मानसिक सृष्टि थी, वो मानसिक नहीं है, वो तो मैथुनी है। तो आगे जो है उनमें, लेकिन इतना था संकल्प बीज था, संकल्प बीज से फिर उनको कोई संतान नहीं, बाद में संकल्प यानी उसमें सारा विवेचन जो पुराणों को, पुराण हमारे ज्ञान की कोष है, सही प्राचीन ज्ञान के कोष पुराण। पुराण जो है ज्ञान के कोष है,
पहले आर्य समाजी पुराणों का खंडन करते थे, जब उनको इतिहास की जरूरत पड़ी तब पुराण ढूंढने लगे। तो आर्य समाजियों ने कहा कि पुराण जो है ज्ञान के कोश हैं, बिना इनके पढ़े हम अपने इतिहास को नहीं जान सकते, उसमें कुछ बातें हैं। तो एक विद्वान ने बड़ा अच्छा लिखा है, कहता है कि कुछ बातें जो हमारी समझ में नहीं आती उसको हम कह देते हैं कि ये गलत है, और यदि हमारी समझ में आ जाए खोज करो तो उसके नीचे जो है उसका पता करो तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा उसके मूल में जो स्थित है यथार्थ ज्ञान का, ये खोज का विषय है। हाँ, इसमें इतनी बात जरूर कही कि पौराणिक भाषा जो है ये रहस्यमयी भाषा, कहते कुछ और हैं लिखाते भी अभिप्राय कुछ और होता है, रहस्यमयी। वैदिक विज्ञान को, सृष्टि विज्ञान को समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें प्रयोग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि एशाम लोक इमा प्रजा, जिसकी इस लोक में ये प्रजाएं, ये प्रजा ना जो सृष्टि से, तो ये सृष्टि के मूल आधार पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं ऐसे समझो, ये सब इन्हीं की संतानें हैं। कुछ ऋषियों की संतानें हैं, कुछ मनुओं की संतानें हैं, मूल में यही, और इन्हीं से आगे सारी सृष्टि है। इसीलिए कोई ऐसी जाति नहीं जिसका ऋषि कोई गोत्र न हो, कोई ऋषि गोत्र नहीं, हर एक जाति का आपको गोत्र मिलेगा और ऋषि के साथ संबंधित कोई न कोई ऋषि है गोत्र, गोत्र का पता लगाओ किसी न किसी ऋषि की संतान हो। अब गोत्र दो से बनता है, गुरु से और ऋषि से, पिता से। गोत्र के दो निकारण होते थे, पिता और गुरु। बहुत से गोत्र गुरु से बने हैं और बहुत से गोत्र पिता से बने, दोनों से गोत्र। और क्योंकि तो दोनों का कुल कहा जाता था ना, कुल के दो भेद हैं, एक पिता का कुल और दूसरा गुरु का, गुरुकुल कहते हैं ना, आज भी उसका नाम गुरुकुल है। गुरुकुल माने गुरु का कुल, गुरु का वंश। एक पिता से वंश चलता था, दूसरा गुरु से वंश चलता था। धर्म न पुत्रो न कुपुत्र पुत्रो, धर्म न दारा न कुदार दार, धर्म न शिष्य न कुशिष्य शिष्य, धर्म न मित्रो न कुमित्र मित्रो, धर्म न शिष्य न कुशिष्य शिष्य, धर्म न पुत्रो न कुपुत्र पुत्रो, धर्म न दारा न कुदार दार। ये अलग अलग संस्कार की बात है, तो उसमें दोनों कुल भारत में प्रतिष्ठित रहा है। तो यहाँ पर मदभावा मानसागर भगवान ये कह रहे हैं कि सृष्टि के मूल में मेरा संकल्प ही है, मदभावा मानसा जाता है, ये सारे के सारे मेरे मानस भाव से उत्पन्न हुए हैं। अब ये जो भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं सारी सृष्टि और सभी परमात्मा की संतान है, ऐसा हम स्वीकार कर लेते हैं, तो इसको भगवान ने क्या नाम दिया, विभूति योग। तो भेद दृष्टि समाप्त होता है, विभू दृष्टि आ जाती है, विभू शब्द है विभू, तो विभू दृष्टि आ जाती है और भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। समाज में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा उत्तम मध्यम नीच निकृष्ट आदि की जो कल्पनाएं हमारी, यही तो हमारे भगवान के साथ एकता में योग में बाधक है। भेद दृष्टि ही योग में बाधक है। योग तब तक नहीं सच सकता जब तक ये अभेद दृष्टि न हो जाए, और भेद दृष्टि तब तक नहीं जा सकती जब तक ये हमें परमात्मा की विभुता का बोध न हो जाए। परमात्मा की विभुता के बोध से ही भेद दृष्टि का अभाव हो सकता है, ये याद रख लो। भगवान के कहने का अभिप्राय क्या है, परमात्मा की विभुता के बोध से ही भेद दृष्टि का समन हो सकता है, और भेद दृष्टि का अभाव होने से ही भगवान में अनन्य
आस्था हो सकती है। इसीलिए भगवान ने बताया एताम विभूतिम योगम च ममा यो वेति तत्वतः। ये विभूति योग तत्वतः है, तत्वतः माने तात्विक दृष्टि से। अब सबके माता पिता परमात्मा है, तो तात्विक दृष्टि माने आत्मा की दृष्टि। शरीर की दृष्टि से तो लोगों के माता पिता अपने अपने बैठे हुए हैं, तो माता पिता जो शरीर की दृष्टि से हैं वो तत्व की दृष्टि से नहीं है, शरीर की दृष्टि से। तो शरीर की दृष्टि से माता पिता को स्वीकार करना अलग बात है, तत्व की दृष्टि से माता पिता की तलाश करना अलग बात है। अब इसमें ये खोजो कि हु इज अवर रियल फादर। When we will search who is our real father, then we will reach up to Godhead. But when we will try to know who is our physical father, not real father, then we have to accept some person. There is no other way. So, जो शास्त्र में परमात्मा ही पिता है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, ये जो भगवान ने कहा कि इस जगत का पिता मैं हूं, तो किस रूप से कहा? तत्वतः आत्मा की दृष्टि से तो परमात्मा ही पिता है, दूसरा कोई पिता हो ही नहीं सकता। और पिता शब्द का सही अर्थ जो है, पिता शब्द का सही अर्थ जानते क्या होता है? रक्षक, रक्षक पारक्षण धातु से पिता शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है रक्षक। तो जिसको हम पिता मानते हैं वो पिता तो सही में पिता हो नहीं पाता, तो रोते ही रहता है बेचारा, संतान चली जाती है, रक्षा कर पाता है तो वो पिता के साथ। जो पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ है वो पिता कहाँ उसका हुआ? पिता तो सही में पिता परमात्मा ही है, इसलिए कहते हैं सच्चे पिता। सच्चे पिता माने तत्वतः परमात्मा ही पिता है सच्चा। तो भगवान कहते हैं एशा एताम विभूति योगम च, ये मेरा विभूति योग है, ये जान जाना कि सबका आदि कारण परमात्मा है, यही परमात्मा की विभूति योग है। और ये जानने के परिणाम में, यह तत्व प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने के परिणाम में, सह अभिकम्पेन योगे न युज्यते माम न अत्र संशय। सह अभिकम्पेन योगे न, अभिकम्पेन योगे न माने विकम्पित योग नहीं, ऐसी एकता नहीं जो आज बनी कल टूट जाए, ऐसी एकता भगवान के साथ वही अखंड योग। अभिकम्प योग माने अखंड योग, नित्य योग, शाश्वत योग, ये शब्द है उसमें। भगवान नित्य योग की बात कर रहे हैं, शाश्वत योग की बात कर रहे हैं। ऐसा यूनियन जो कभी किसी काल में अलग हो ही नहीं, बिखरे ही नहीं, टूटे ही नहीं, सेपरेशन की कल्पना ही समाप्त हो जाए। When we will realize that really you are manifestation of Supreme Consciousness, automatically you will realize unity with Godhead, and that unity will be eternal. कोई ऐसा समय नहीं आएगा जबकि आप उससे अलग हो सकते। As ray is always one with sun, no time will come, no power will come. दुनिया में ऐसा समय, ऐसी शक्ति कोई नहीं आएगा who can क्रिएट सेपरेशन बिटवीन सन एंड रे, जो सूर्य और किरणों को अलग अलग कर सके, ऐसा कोई समय नहीं आएगा, कोई शक्ति नहीं आएगी। इन द सेम वे देर इज नो पावर, देर नो टाइम व्हेन दिस जीवा सोल वाज आर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। He is one and be one always.
इसलिए भगवान कहते सो अभिकंपेन योगे, अभिकंपेन माने अनशेकेबल, नॉन मूवेबल, अनशेकेबल योगा, इट मीन्स इटर्नल यूनिटी, नित्य योग को प्राप्त कर लेते। न अत्र संशय योगे न युज्यते, युज्यते माने योग से एक हुआ रहता है, न अत्र संशय, इसमें संशय नहीं, भगवान कहते हैं संशय रहित ज्ञान है, संशय रहित सिद्धांत है, भगवान के इस कथन में कहीं भी संशय के लिए स्थान नहीं। अभिकंपेन योगे न युज्यते, अविचल योग से वह युक्त हो जाता है परमात्मा के साथ एक। एक बात याद रखो, सांख्य दर्शन का सिद्धांत है कि ये सारी सृष्टि में जो दुख है ये अज्ञान से, और उसमें आनंद की अभिव्यक्ति ज्ञान से, कर्म इसमें साधक नहीं है। योग जो है वो भी ज्ञान का परिणाम है, क्रिया का परिणाम नहीं, क्रिया का परिणाम योग नहीं है, इसका परिणाम है ज्ञान। इसीलिए भगवान ने कहा एताम विभूतिम योगम च मम योगेति तत्व, इस नित्य योग का मूल हेतु क्या है, तत्वतः वेद, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बिना और कोई योग की सिद्धि में हेतु नहीं। आप क्रिया करके सोचो कि परमात्मा से एक हो जाएंगे, हाउ यू कैन अचीव यूनिटी थ्रू योर एक्शन विद गॉड हेड विदाउट नॉलेज। सो नॉलेज इज मस्ट, इन द लाइट ऑफ नॉलेज यू कैन रियलाइज यूनियन विद गॉड हेड। याद रखो गीता के सिद्धांत है कि तुम्हें परमात्मा से एकता प्राप्त नहीं करनी है, और न कोई कर सकते हो, कर सकता है, तुम परमात्मा से एक हो इसकी अनुभूति करनी है। तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, जो कि तुम परमात्मा से एक होना चाहते हो, इसलिए परमात्मा से एकता प्राप्त नहीं करनी। तो फिर जो अनात्मा के साथ तुम्हारी एकता हो गई है उससे अपने आप को अलग करना है, परमात्मा से तो योग एक हो ही। अनात्मा के साथ जो तुम्हारी योग्यता है एकता हो गई है, तम विद्या, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संयोग, कितनी बड़ी बात है भगवान। जो दुख के साथ तुम्हारा संयोग हो गया है ना, उससे वियोग होने का नाम ही योग है, और योग कुछ नहीं है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगतम, उसको जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए, कि दुख के साथ जो हमारा संयोग है उससे वियोग होने का नाम ही योग है, और योग कुछ नहीं। योग संगतम, योग संगतम माने योग संज्ञक, योग की संज्ञा, योग की संज्ञा जो है वो किसको दी गई है, दुख संयोगम वियोगम, दुख से जो हमारा संयोग हो गया है उसके वियोग कर, दुख रहित होने का नाम योग है, ऐसे दूसरे शब्द। और दुख का कारण क्या है, अज्ञान। दुख का कारण कोई पदार्थ नहीं है ना, गीता ये नहीं मानती कि दुख का कारण कोई पदार्थ, कोई पदार्थ दुख में हेतु हो ही नहीं सकता। पदार्थ कैसे दुख में हेतु हो सकता है, पद कैसे दुख में हेतु हो सकता है, पद और पदार्थ दुख में हेतु नहीं हो सकते। मैटर इज नॉट कॉज ऑफ ग्रीफ एंड सफरिंग अकॉर्डिंग टू भगवद्गीता, ओनली इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग, नॉट मैटर। इसलिए गीता ये नहीं मानती कि प्रकृति दुख का कारण है, माया दुख का कारण है, नो।
ओनली इग्नोरेंस, केवल अज्ञान दुख में कारण है, और अज्ञान जन्य आसक्ति दुख में कारण है। आसक्ति दुख में कारण है, तो आसक्ति क्या? अज्ञान जन्य। तो अज्ञान जन्य आसक्ति से मुक्त होना ही दुख से मुक्त होना है, और जब इस कारण से मुक्त हो गया तो नित्य योग की अनुभूति हो गई। यू आर वन विद गॉड हेड बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस ट्रुथ। मंत्र जाप आदि जितने हैं ये सब आसक्ति का नाश करने के लिए हैं, ये सब एक प्रकार के शक्ति को वाइब्रेट करते हैं, प्रसुप्त शक्ति, सात्विक शक्ति जो आपके चित्त में प्रसुप्त है, जिसके नाते आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, जिसके नाते अज्ञान का पर्दा है, मंत्र जाप के द्वारा वो सात्विक शक्ति जागृत हो जाती है। जागृत जहां हुई तहां अपने आप समाप्त हो जाएगी, प्रसुप्तावस्था में आ सकती है ना, डार्कनेस में आ सकती है, जागृति में तो अपने आप आ सकती नष्ट हो जाएगी। तो मंत्र जाप से अंतर में जागृति होती, प्रसुप्त चेतन जग जाता, प्रसुप्त शक्ति जग जाती, मंत्र जाप से एक स्पेशल वाइब्रेशन, विशेष प्रकार की गति आपके शरीर में उत्पन्न होती, और उस गति के द्वारा आप में प्रसुप्त, जैसे किसी को हिलाते हैं झकझोरते हैं, पहले किसी को बुलाओ नहीं उठता तो क्या करते हो, हिलाते हो, हिलाए तो उठ गया, सुनता नहीं इतनी देर हो गई। तो ये जो है वाइब्रेशन जो मंत्र जाप है बार बार, ये अंतर में प्रसुप्त चेतना को जागृत करता है, वाइब्रेट करता है, और उसमें जो स्पेशल गति होती है उस गति में एक प्रकाश की, क्योंकि सत्वगुण की वृद्धि होगी तो प्रकाश होगा, सत्वासंजायते ज्ञान, सत्वगुण की वृद्धि होगी उसमें प्रकाश होगा। अब ये किस प्रकार की, किस गुण की वृद्धि होगी मंत्र से, ये मंत्र के ऊपर निर्भर करता है। आपका मंत्र सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है, कौन सा मंत्र है? वो वाइब्रेशन संकल्प से उसके रोग का निवारण कर सकते, आपके संकल्प से उसमें वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होकर उसके रोग का निवारण करेगा, रोग के कारणों का निवारण करेगा। जैसे आपके द्वारा दी हुई गाली नाम लेकर के उसके अंदर आग लगा देती है, तो आपका मुंह है, जीभ आपकी है, शब्द यहाँ निकला तो उसके अंदर आग कैसे लगा दी उसकी, उसकी बात सुनते मेरे आग लग गई, तो तुम्हें क्यों आग लग गई, शब्द उसने कहा आग तो उसने नहीं लगाई, तुम्हारे अंदर आग कैसे पैदा होगी भाई, शब्द ने जाकर वहां पर मारा, शब्द का प्रभाव वाइब्रेट किया वहां जाकर, उस शब्द ने वहां जाकर वाइब्रेट कर दिया और प्रसुप्त रजोगुण को जागृत कर दिया। अब शब्द के ऊपर, शब्द कैसा, इसलिए मंत्र तामसिक होते हैं, मंत्र राजसिक होते हैं, मंत्र सात्विक होते, तीन प्रकार के मंत्र हैं, राजसिक मंत्र हैं, सात्विक मंत्र हैं, तामसिक मंत्र, ऐसे मंत्र। सात्विक मंत्र ही मोक्ष में हेतु होते, राजसिक मंत्र जो हैं वो सांसारिक वैभव प्रदान करने में हेतु होते, और तामसिक मंत्र जो हैं वो अज्ञान की, मोह की, आसक्ति की, जड़ता की वृद्धि में हेतु है। ऐसे मंत्र हैं जिनसे संपत्ति प्राप्त की जाती है, ऐसे मंत्र हैं जिससे यानी क्या बोलते हैं, कामनी प्राप्त की जाती है, भोग प्राप्त किया जाता है, ऐसे मंत्र हैं जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये अलग अलग मंत्र, और सभी मंत्रों के अलग अलग प्रयोग हैं, जाप वही है, मुँह वही है, जीवा वही है, हृदय वही है, जपना वही है, इनके लिए माला अलग अलग हो जाती है। बस राजसिक मंत्र के लिए अलग माला का विधान है, तामसिक मंत्र के लिए अलग माला का विधान है, और सात्विक मंत्र के लिए अलग माला का विधान, इनके लिए माला अलग है। राजसिक मंत्र जपने के लिए कमल के गट्टे की माला होती है, कमल गट्टा होता
उसकी माला बनती है। सात्विक मंत्र के लिए रुद्राक्ष है, तुलसी है, ऐसी माला है। दो ज्यादा महत्वपूर्ण स्फटिक, स्फटिक को भी सात्विक और मूंगा जो है राजसिक, मूंगे की माला मूंगे की माला राजसिक। इसी रूप से ये जो है क्या बोलते हैं कमल गट्टे की माला है राजसिक, ऐसी माला। और चंदन की माला जहाँ तक मेरा वैसा कुछ गया। और तामसिक मालाएं होती हैं बहुत, क्योंकि ये भीड़ जब इसमें हर तक सात्विक ज्यादा होता है, इसलिए सात्विक से रुद्राक्ष माला साथ शुद्ध साथ रुद्राक्ष और तुलसी ये दो मालाएं और स्फट ये तीन। ज्ञान वृद्धि के लिए तीन मालाएं हैं, स्फटिक की माला सबसे महत्वपूर्ण स्फटिक की माला है ज्ञान वृद्धि के लिए, वो सरस्वती की उपासना में प्रयुक्त होती है, सरस्वती की उपासना में प्रयुक्त होती है, ज्ञान वृद्धि में हेतु होती है स्फटिक। और तुलसी की माला विष्णु भगवान की उपासना में प्रयुक्त होती है, वे भी भक्ति प्रेम ज्ञान वृद्धि में। रुद्राक्ष की माला ये भगवान शिव की उपासना प्रयुक्त होती है, गायत्री उपासना प्रयुक्त होती है, फिर ज्ञान वृद्धि में प्रयुक्त। और मूंगे की माला कमल गट्टे की माला ये क्या बोलते हैं इनके लक्ष्मी की उपासना में प्रयुक्त होती है, और ये संपत्ति वृद्धि में लक्ष्मी का जो काम है ठीक है। और तामसिक मालाएं होती हैं, तामसिक मालाओं में कई प्रकार की मालाओं का भरण है, जो कि ये तामसिक देवताओं की उपासना में प्रयुक्त होती है। उसमें हड्डी की माला होती है, कांच की माला होती है, सीपी की माला होती है, ये शंख जो होते हैं उनकी माला होती है, और क्या बोलते हैं ऐसी माला है, ये ऊन की माला जो लोग जपते हैं ये भी राजसिक माला है, सात्विक नहीं है, ये ऊन की माला भी जपते हैं ये राजसिक, ये सात्विक नहीं देंगे। आपको संपत्ति की भी जरूरत है, तो इसी प्रकार के आसन की जो कुश का आसन मृग चर्म का आसन ये सात्विक गिना गया। देखिए बागंबर राजसिक, बागंबर जो है ये सात्विक नहीं, मृग का चर्म राज सात्विक है, बाघ का चर्म राजसिक, और बकरे का जो चर्म है ये तामसिक, गऊ का बकरे का ये कम्बल कम्बल सात्विक नहीं राजसिक। गीता में कम्बल नहीं है, गीता में है चैल आजिन कुशोत्र, नीचे कुश ऊपर से अजिन मृग का चर्म, उसके ऊपर कपड़ा चैल, इसके ऊपर कपड़ा चाहिए मृग चर्म, मृग चर्म के ऊपर चैल, चैल माने सूती वस्त्र, चैल शब्द का अर्थ होता है सूती वस्त्र। ऊनी सुतिया है रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र चैल माने वस्त्र, लेकिन ऊनी वस्त्र नहीं, ऊनी वस्त्र के लिए चैल शब्द का प्रयोग नहीं, चैलाजन कुशोत्र जो आध्यात्मिक साधना करने वाले हैं उनके अजिन, अजिन माने ये मृग चर्म, उनके लिए बाघ चर्म का विधान है मृग चर्म, और ये सारा उनका तो हर तामसिक के लिए माला है हड्डी की माला,
कांच की माला, हड्डी की माला, और ये क्या बोलते हैं इसकी, हाँ सिप्पी, सिप्पी की माला, ऐसी आती लोहे की माला, लोहे की माला तो लोहे की माला। तो सात्विक, जो सात्विक पदार्थ हैं, जैसे समझ लो सात्विक पदार्थ जो हैं वो सात्विक माला के लिए, संख की माला राजसिक, तामसिक नहीं, संख की माला राजसिक है, क्योंकि लक्ष्मी की उपासना की, धन के लिए छोटे छोटे संख होते हैं माला लक्ष्मी के लिए होते हैं ऐसे। फिर इसमें अलग अलग मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि जो हैं इनके लिए अलग अलग माला होती है। मारण के लिए हमेशा हड्डी की माला प्रयुक्त होती है, हड्डी की माला, ये लोहे की माला, हड्डी की माला, दो प्रयुक्त होती है। ये जितने हैं मेरे कहने को प्राय कि ये सब वाइब्रेट करते हैं मंत्र के साथ, सात्विक मंत्र, राजसिक मंत्र, तामसिक मंत्र। तो सात्विक मंत्र जो है वही ग्राह्य है, सात्विक मंत्र ही आपके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करेगा, सात्विक शक्ति को प्रकाशित करेंगे, राजसिक मंत्र राजसिक शक्ति को प्रकाशित करेंगे, तामसिक मंत्र तामसिक शक्ति को प्रकाशित करेंगे। तो जिस प्रकार के मंत्र का